वेलकम टू नगमस टेस्टी डिशेस। आज हम खड़े मसाले का गोश्त बनाएंगे। ये 300 ग्राम मटन है जिसमें हमने हाफ टी स्पून अदरक और हाफ टी स्पून लहसुन लगा के रखा है। कुकर में हमने तेल डाला है जो तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून्स है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, जिसे एक को हमने महीन महीन स्लाइस कर लिया और बाकी को बिल्कुल मोटे मोटे काट के रख लिए दो। अब हम जो स्लाइस किए थे अनियंस, उसे हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने अनियंस को, एक प्याज को लाल करने के लिए तेल में डाल दिया है। इसमें जो खड़े मसाले पड़ेंगे वो सब ये मसाले हैं। 2 साबुत लाल मिर्च जिसे हमने छोटी छोटी पीस काटी है, 1 बड़ा टेबलस्पून अदरक चॉप किया हुआ, 1 टेबलस्पून लहसुन, लहसुन के 3 से 4 पीसेस को चॉप कर लेना है, हाफ टी स्पून कुछ गोल मिर्च, 4 से 5 लौंग, 4 इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी की पीस, हाफ अ टी स्पून ऑफ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, हाफ अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट और 2 तेज़ पत्ते। देखिए, अनियंस फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी के अनियंस जितने हमने मसाले रखे थे साबुत, वो सारे इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें जो मीट मैरिनेट करके रखा था उसे भी डाल देंगे। अब इसे थोड़ा सा पानी डालकर गलने के लिए रख देंगे। 1 विसिल और करीब 10 मिनट सिम में रखने के बाद फिर इसे खोलेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, गोश्त बिल्कुल गल गया है। देखिए, बिल्कुल रेडी है। इसमें हम 1 टेबल स्पून के अंदाज से टोमेटो प्यूरी डालेंगे जो इसे और टेस्टी और अच्छा बनाएगा। देखिए, आपके लजीज कटे मसाले का गोश्त बिल्कुल तैयार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।